ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं अगली खबर की। भिवानी में शारीरिक शिक्षक सड़कों पर उतर आए। स्थानीय भीम स्टेडियम के शिक्षक इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग ने हर जिले में एईओ और एईओ के पदों पर डीपी व पीटीआई की बजाय लेक्चरर्स की नियुक्ति की, जो कि बिल्कुल गलत है। शारीरिक शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि ये नियुक्तियां रद्द नहीं की गई तो वे जिला स्तरीय स्कूल खेलों का बहिष्कार कर देंगे और आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। और हम जो है हरियाणा सरकार जो ले रही है ये एईओ के पद पर लेक्चरर को ले रही है, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा सीनियर साथी डीपी जो है वो एईओ के पद पर आए और सीनियर पीटीआई जो एडब्ल्यूओ के पद पर आए और लेक्चरर को जो है ना वाईएसओ बना दिया जाए, क्योंकि वो क्लास टू की पोस्ट है और एईओ वाली जो पोस्ट है क्लास थ्री की पोस्ट है। ये हमारी डिमांड है। ये सरकार ये अपना लेटर वापस नहीं लेगी, पीटीआई डीपी इसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और अगर आप सरकार फिर भी नहीं चेती तो 17 तारीख से होने वाले जिला स्तरीय टूर्नामेंट में पीटीआई डीपी इसका बहिष्कार करने का फैसला भी ले सकते हैं। और हरियाणा सरकार से हम मांग करते हैं कि खेलों को बचाने के लिए पीटीआई डीपी को ही खेलों में रखें, सीनियर डीपी को एईओ और सीनियर पीटीआई को एडब्ल्यूओ के पद पर रखा जाए।